एक दिन यूं ही बैठा था घर पे, इंतजार कर रहा था किसी का, एक बड़ी सी खुशी का। घर पे पकवान बनाए, दीवारें पेंट करी, बहुत तैयारियां करी। अरे बाबा, बड़ी खुशी आने वाली थी ना। फिर अचानक दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? तो एक धीरे से आवाज आई, मैं हूं खुशी। हाँ, थोड़ी छोटी हूं, वो नहीं जिसका तुम्हें इंतजार है, पर खुशी हूं। मैंने बोला, थोड़ा इंतजार करो, कुछ काम कर रहा हूं, कुछ इंतजाम कर रहा हूं, बड़ी खुशी आने वाली है ना। बोली, ठीक है। फिर मैं अपने काम में इतना मसरूफ हो गया कि भूल ही गया कि कोई दरवाजे पे खड़ा था। फिर दस्तक हुई। बोली, अब तो आने दो, इतना इंतजार कर लिया, दहलीज तो पार करवा दो, चाहे घर में जगह ना देना। अरे अंदर तो आने दो, चाहे स्वीकार ना करना। मैं खींचकर बोला, यार तुम परेशान बहुत करती हो, तुम एक काम करो, बाद में आना, बड़ी खुशी के स्वागत में ना पकवान बनाने हैं, बहुत काम अभी बाकी है, कई इंतजाम अभी बाकी है। छोटी खुशी बोली, अरे मैं तो रोज आती हूँ, दिन में कई बार आती हूँ, तुम ही दरवाजा नहीं खोलते, अब नहीं आऊंगी, कहकर वो पैर पटकते हुए बच्चों के जैसे चली गई। कई बरस बीत गए, बड़ी खुशी नहीं आई, पकवान खराब हो गए, दीवारों का रंग फीका पड़ गया, दिल जैसे तरस गया उसके इंतजार में, पर वो नहीं आई। फिर एक दिन सपनों में मिला उस बड़ी खुशी से, तो पूछा मैंने, तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तो खूब तैयारी की थी तुम्हारे आने की, पकवान बनाए, सपने बुने, घर सजाए। वो बोली, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, आई थी, कई बार आई थी, पर तब मेरा कद शायद थोड़ा छोटा था, तुमने आने नहीं दिया, पर किसी और ने खुली बाहों से अपनाया, देखो आज कितनी बड़ी हो गई हूं। ये सुनते ही मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पसीने पसीने होकर उठ गया, और उठते ही भाग के दरवाजा खोला देखने के लिए कि क्या कोई है, क्या कोई छोटी खुशी आई है मेरे दरवाजे पर, पर कोई नहीं था। आज मेरा दिल और दरवाजा दोनों खुले हैं, पर कोई दस्तक नहीं करता, कोई दहलीज पार करने की जिद नहीं करता, क्या करूं, कोई दस्तक नहीं करता। तो दोस्तों याद रखें, बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ना छोटी छोटी खुशियों को ना भूल जाएं, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से एक दिन बड़ी खुशी बनती है।